अगर आप भी अपने एक्स पार्टनर को अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम पूरी एक सीरीज लेके आए। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था सामने वाले को स्पेस से देना सीखो, सेकंड पार्ट में बात की थी नो कॉन्टैक्ट रूल जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज थर्ड पार्ट बनने वाला जो आखिरी पार्ट है इसमें हम बात करने वाले कि अपनी हैप्पीनेस कैसे शो करिए या फिर हैप्पीनेस शो करने से क्या होगा, सामने वाले पे क्या फर्क पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। तो सब सभी का स्वागत करता हूं मैं एक्स पार्ट पार्ट थ्री में, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैप्पीनेस शो के ऊपर कि सामने वाले को हम हमारी हैप्पीनेस कैसे शो कर सकते हैं और उससे हमें क्या फायदा होगा, इसी के बारे में हम बात करने वाले। जैसा अगर आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो उसको भी देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट पार्ट को देखना, सेकंड को देखना, फिर ये थर्ड देखो ताकि आपको समझ में आए कि पूरा प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करनी है, अगर आप चाहते हैं वन एंड वन में आपको गाइड करूं, तो आपको पेड कॉल बुक करना पड़ेगा जिसका चार्ज लगेगा, चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। कॉल कैसे बुक करना है, आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज करिए कॉल बुक करना है, ऐसा मैसेज करना है, उसके बाद आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और पेमेंट कहां पे करना है वो भी आपको डिटेल्स में लिखा होगा, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉलिंग चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ के ही मैसेज करना। अभी हम आते कि सामने वाला जो इंसान है जिसको हमने स्पेस से दे दिया ब्रेकअप के बाद, 15-20 दिन का स्पेस से दे दिया, उसके बाद हमने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। नो कॉन्टैक्ट रूल मिनिमम 20 से 25 दिनों का होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैप्पीनेस शो कैसे करें। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल कैसा था, मैंने दो प्रकार के नो कॉन्टैक्ट रूल बताते, एक तो ब्लॉक कर देना पूरी तरीके से, डिसअपीयर हो जाना उसकी लाइफ से, या फिर एक तो ऐसा जिसमें हम उस इंसान से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, अगर वो करता भी है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैप्पीनेस शो के बारे में, सामने वाले को अपनी खुशी कैसे दिखाएं। और एक चीज बता दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप अपनी खुशी सामने वाले को नहीं दिखाओगे, जो अपने अंदर का जो दर्द है उसको छुपा लो और अपनी जो हैप्पीनेस उसको दिखाना स्टार्ट कर दो, सामने वाला जल जाएगा। ठीक है, आपको मैं पूरी प्रोसेसर समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा प्रोसेसर क्या है और क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे अपने हैप्पीनेस शो करने से, नो कॉन्टैक्ट से, स्पेस से। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने स्पेस दिया, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, सामने वाला जब ब्रेकअप करता है तो उसके माइंड में एक चीज बैठ जाती है कि इसको मैंने ब्रेकअप किया, ये मेरे पीछे भागेगा। आपने स्पेस दिया, भागना बंद किया, वो फिर वो सोचेगा ये मेरे को कॉन्टैक्ट तो करेगा, कॉल मैसेज करेगा, आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया वो भी नहीं किया। अब वो ये सोच रहा है कि ये इंसान दुखी होगा, मैं इसको देख तो लूँ, भले कॉन्टैक्ट नहीं करा लेकिन इसके अंदर दर्द मुझे पता चल जाएगा कि दुखी है या रो रहा है, ये थर्ड वाला पार्ट है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हैप्पीनेस शो करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो उसने सोचा था भागेगा वो भी नहीं किया, कॉन्टैक्ट करेगा वो भी नहीं किया, और थर्ड वाला जो है हैप्पीनेस शो वो भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो सोच रहा है रोना धोना थर्ड वाला वो भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला पूरी तरीके से टूट जाएगा। देखो सामने वाले के माइंड में ये चीज होती है, मेरे पीछे भागेगा, मेरे को सामने से कॉन्टैक्ट करेगा, मेरे बिना रह नहीं सकता, ये उसको पूरी तरीके से पता है। आपको इतना ज्यादा ग्रांटेड लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया गया, जिसके वजह से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, ये तीन थॉट्स उसके माइंड में होते हैं जो आपका पार्टनर है, ये आएगा, भीख मांगेगा, भागेगा, या फिर कॉन्टैक्ट करेगा, या फिर इसके रोने धोने से मुझे पता चल जाएगा, आपके रोने धोने या फिर आपके सैड रहने से उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो इंसान ये माइंड लेके चलता है, लेकिन जब हम स्पेस दे देंगे तो उसमें थोड़ा सा उसको अनसिक्योरिटी लगेगी कि यार ये मेरे को मेरे पीछे भागने रहा, मेरे पीछे आने रहा। फिर जब नो कॉन्टैक्ट फॉलो करेंगे, यार ये इंसान मेरे बिना दो दिन नहीं रहता था, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो भी उसके अंदर और ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ जाएगी। और जो थर्ड वाला पार्ट है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसको लगेगा कि यार ये रोता था, गिड़गिड़ाता था, सैड रहता था, लेकिन जब आप अभी सैड रहना बंद कर दोगे, जब आप उस इंसान के पीछे भागना बंद कर दोगे, ठीक है, तो आप हैप्पीनेस शो करोगे, तो सर यार मेरे बिना खुश कैसे रह रहा है। जब आपको खुशी देखेगा तीनों चीज मिला के, तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाएगी। और क्या होगा कि आपका माइंड जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना भी स्टार्ट कर दोगे, सब कुछ निकाल के, सामने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, अपनी लाइफ में रुक जाएगा, और एक कोशिश करेगा कि यार कॉन्टैक्ट कर लो, और फाइनली 10 से 12 दिन के बाद इंसान खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। सामने को ये तो दिखाओ कि यार हाँ हम भी तेरे बिना खुश रह सकते हैं, हम दिखाई नहीं पा रहे सामने वालों को, हम शो ही नहीं कर पा रहे अपने तरफ से। हैप्पीनेस शो कैसे की जाती, अब इसके बारे में बात करते हैं। हैप्पीनेस शो का मतलब ये नहीं कि हाँ उसके पास जाके हंसो जोर जोर से, जोक लगाओ स्टेटस पे, ऐसा कुछ नहीं होता। हैप्पीनेस शो का मतलब बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, वीडियो उठा लेंगे कॉमेडी वाले, जो कभी डालते नहीं वो वाले वीडियो उठा के स्टेटस पे डाल देंगे, तो उसको पता चल जाता है कि यार हाँ ये जो इंसान है ये मतलब
मेरे को दिखाने के लिए वो मतलब दिखा रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ, ऐसा जानबूझ के दिखाने के लिए स्टेटस डाल रहा है। इतना समझदार तो वो भी है। अपने को क्या करना है कि अगर मान लो आपने ब्लॉक तो नहीं किया, मैंने दो ऑप्शन दिए थे, ब्लॉक वाला अनब्लॉक वाला। अनब्लॉक वाले के लिए चीज है कि अगर आपके लाइफ अगर अनब्लॉक है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, आप भी नहीं करो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो सामने वाले को दिखाने के लिए स्टेटस नहीं डालना। आपको कैसे स्टेटस डालना, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अगर किसी फ्रेंड का मेरा बर्थडे है तो मैंने उसके बर्थडे का स्टेटस डाल दिया, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे दिव्या, जो भी जिसका भी जो नाम है वो नाम लिख दो और हैप्पी बर्थडे ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि और ऐसे लिख देना कि पार्टी दे दे, मतलब थोड़ा हैप्पीनेस वाला सिंबल, तो उससे क्या लगेगा वो इंसान दिखा रही यार, मतलब ये तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, मतलब उसको ये चीज डाउट भी नहीं जाएगी कि ये मेरे लिए स्टेटस लगाया मेरे को दिखाने के लिए, और ये चीज भी पता चल जाए कि हाँ रियलिटी में यार किसी का बर्थडे हो सकता है रियल में अपनी लाइफ में, इसको तो मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं, मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी ये सारी थिंकिंग उसके माइंड में जो होती है ना आपके लिए, वो पूरी निकल जाती है और ये उसके माइंड में घुस जाता है कि ये मेरे बिना खुश कैसे है, ठीक है। एक दूसरा और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि यार तेरा उससे ब्रेकअप हो गया, हाँ हो गया यार छोड़ो उसके बारे में बात मत करो, क्या होगा थर्ड पर्सन जाके उसको जब बताएगा अरे हाँ होते तेरे बारे में, कितना भी क्लोज फ्रेंड उसको ये मत बताओ कि मेरे को दर्द हो रहा, हर एक इंसान को ये बोले मैं खुश हूँ उसके बिना। जब भी अगर कोई उसके बारे में पूछ रहा वहां से निकलो, अगर वो आ रही कहीं पे आप खड़े हो वहां से निकलो, अगर वो कहीं किसी से बात करे वहां से निकलो, और उसके सामने ज्यादा ज्यादा कोशिश करो किसी दूसरे पर्सन से बात करने, दूसरे लोगों से हैप्पी रहने की, ठीक है, अपने नंबर को बिजी रखने की, ठीक है, अपने जो स्टेटस उस पर और एक्टिविटी करने की, जैसे कि गुड मॉर्निंग या फिर कोई ऐसी चीज जिससे सामने वाले को शक भी ना हो कि आप हैप्पीनेस शो करो, और जिसको ऐसा भी लगे कि हाँ रियलिटी में आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ना इसी को बोलते हैं हैप्पीनेस शो, सामने वाले को जला देना पूरी तरीके से अपनी खुशी दिखा के। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक सामने वाला इसी चीज का फायदा उठाएगा, वो आपके बिना रह भी सकता है, फिर वो आपके वैल्यू भी नहीं करेगा, रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन आप चाहते हो सारी चीजें हो, और जब आप हैप्पीनेस दिखाओगे ना तो पूरी तरीके से अंदर से टूट जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि आपने स्पेस भी दे दिया, उसने सोचा था मेरे पीछे भागेगा वो भी नहीं किया, आपने कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, उसमें भी टूट गया और हैप्पीनेस दिखा दी, उसमें पूरी तरीके से इंसान टूट जाएगा, जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसको ये चीज पता चल जाएगी कि अरे यार मेरे बिना कैसे खुश रह रहा है, ये बात उसको खाएगी अंदर से, और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15-20 दिन के अंदर वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर ही लेगा। अगर नहीं भी करते तो भी आपको कंटिन्यू रखना इन प्रोसेस को, तीनों चीज कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी। अगर आप चलो मान लो आपने 15-20 दिन सब कर लिया उसके बाद नहीं आया, तो उसके मतलब ये थोड़ी कि हम कॉन्टैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे भाई, लाइफ में आगे बढ़ेंगे उसको, मतलब अपने इज्जत तो बढ़ जाएगी उसके नजरों में, इज्जत बढ़ेगी मतलब बहुत चीज होगी, वैल्यू तो होगी उसको, वो अंदर अंदर जल जाएगा, उसको पता चल जाएगी आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन हाथ जोड़ के झुकना नहीं है, सब कुछ कर लोगे उसके बाद हाथ जोड़ लोगे फाइनली, तो फिर और ज्यादा रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। उससे जब पूरी तरीके से छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो अपने आप दौड़ता तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी खुशी देख के वो इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि आप किसी से रिलेशनशिप में हो और उसके बिना आप खुश रहोगे तो वो इंसान ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी ये रियलिटी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता अच्छी लगी होगी जो मैंने तीन पार्ट्स बने, तीनों पार्ट अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दो पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी देख लेना, सभी के लिंक मैं एक दूसरे की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैंने लाइन में वीडियोज़ बनाई तीनों वीडियो लाइन में, तो आपको पता चल जाएगा पार्ट 2, 3, 1, ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉल बुक करने के लिए, या फिर इंस्टाग्राम पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।